फलौदी पहुंचे थे सीएम गहलोत और अब जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं, स्वागत उनका किया। सड़कों की स्थिति जो है जोधपुर के अंदर जो शिकायत काफ़ी कर रहे थे, तो वो रिव्यू किया उसको, क्योंकि RYDP का इलेक्शन थे, PAT वाले अलग इसके मनाते तो पूछ जाते सड़कें, PWD अलग सड़कें होती, प्रॉब्लम यही थी, तो हमने रिव्यू किया उसको, क्योंकि हमने अभी साल भर में अभी 5 साल में करीब 800-900 करोड़ रुपये अभी गुस्से भी नहीं लगा रहे हैं, तो काम काफ़ी हो गया, पर क्योंकि ये जो काम हुए हैं करीब 800 करोड़ से ज़्यादा तो अपन ने सैंक्शन कर दिए जो शहर के अंदर, फिर भी PHD जो है PHD सड़कें का काम करते हैं तो सड़कें खराब हो जाती है, तो अभी हमने रिव्यू किया है टाइम पे वो पूरा हो सड़कों का। RYDP का काम जो है उनमें सड़कें खुदी पड़ी हैं, सड़कें पूरी बना रहे हैं हम लोग, पूरा RYDP के काम जो होते हैं उसके बाद में सड़क पूरी बननी चाहिए, कारपेट टू कारपेट, दीवार से दीवार बननी चाहिए, तो ये जो सड़कों का काम जो टॉप प्रायरिटी करवा रहे हैं, जैसे कि ये अगले 30 सितंबर तक पेशवर भी हो जाए, तो अभी मीटिंग करी हम लोगों ने, इंस्ट्रक्शन दिया कि PWD के काम हो, PNT के हों, चाहे वो कोई विभाग के हों, काम होने के बाद में सड़कें रिपेयर टाइम पर होना चाहिए, इस प्रकार से बात करी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इम्प्रूवमेंट होगा, जल्दी इम्प्रूवमेंट दिखेगा आप सबको, मेन बात ये थी। और बताओ एक भी नहीं गए, कौन नहीं गए, एक बात सुनो, अजीब स्थिति बनी हुई है, कल हम उदयपुर में थे, उदयपुर से मुझे जाना था जयपुर, ठीक है, वहाँ जाना था मुझे हेलीकॉप्टर से सीकर जाना था मुझे निवाई, और जयपुर आना था, आपने परमिशन दी नहीं मैं उड़ने की, तो ये कोई G20 का जो है कॉन्फ्रेंस चल रही, इसलिए हमने प्रिकॉशन ले रखी है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा कई बार, अब हम बैठे रहे, मुख्यमंत्री बैठेगा तो प्लेन उड़ सकता है या हेलीकॉप्टर उड़ सकता है, हेलीकॉप्टर खाली जाएगा आगे जयपुर, मेरा जाने का प्रोग्राम था प्लेन से, तभी हम आगे जा पाते हैं, देखा वहाँ पे तो दिन भर मिलने की परमिशन, बाद में परमिशन मिली तब तो मैं प्लेन में बैठ गया, तो क्योंकि जा नहीं सकता था वहाँ पर, और मैंने ट्वीट कर दिया तो भाई ये G20 का अंदर पर मिली नहीं है, और मैंने कोई आलोचना नहीं करी, क्योंकि होता सिक्योरिटी पॉइंट से मैंने कुछ आलोचना नहीं करी, खाली मैंने ट्वीट किया, और उस महाराज साहब के जब हम जा रहे थे ना टेलीफोन पर बात कर ली, भाई हम आ नहीं पा रहे क्योंकि ये जो G20 के कारण से अलाउ नहीं कर रहे जयपुर तक, खत्म हुई बात। आज होम मिनिस्ट्री से RFP आ रहा है कि हमने पर मना किया ही नहीं है, मना ही नहीं किया हमने, बताइए आप, मेरे बाबा मुझे जवाब देना पड़ा, पढ़ा होगा जरा पढ़ लीजिएगा, मेरे बाबा ट्वीट किया है कि ये हमारा पूरा प्लान था, आपके कारण वो प्लेन हमारा प्लान हमारा रद्द हो गया, कल भी मुझे ये कहा जा रहा है कि आप अगर खुद बैठेंगे हेलीकॉप्टर तो हेलीकॉप्टर उड़ेगा, तो एक तरफ वो खुद ही मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप गुमराह क्यों कर रहे हैं, आज मुझे कहना पड़ा अनफॉर्चुनेट है, वो दुख है कि मतलब इस प्रकार का ट्वीट किया गया है, जब भी उसको जरूरत तो नहीं थी, मैंने आलोचना भी नहीं करी थी, मैंने कहा भी इस कारण उड़ नहीं पाए हैं, इतना ही मैंने कहा, आप बता दीजिए, आज भी जो आप कह रहे हो कि डिनर की बात, उड़ते जाते हैं डिनर में तो उड़ने की संभावना कैसे जाते हैं, आप उड़ने दे नहीं रहे हो, और मेरे प्रोग्राम पहले बने हुए थे जो जोधपुर के बने हुए थे दो, आप चौड़िया का और आज का आपका डावरा का प्रोग्राम मेरे पहले बने हुए थे, तो मैंने प्रायरिटी को दे दी कि भाई वो तो प्रोग्राम सबके लिए है और ये प्रोग्राम मेरे बने हुए हैं, इसलिए मैं रुक गया प्रोग्राम, इतना ही था, कोई और कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये मैं पहले कई बार कह चुका हूँ,
इनकी नीयत अच्छी नहीं है। पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, लॉ कमीशन ने और पार्लियामेंट कमेटियों ने कई बार अपने सुझाव दे चुके हैं इनको, आपने उनकी तरफ ध्यान दे नहीं रहे हो। आप उसकी बजाय आप जो है अचानक कमेटी बना दी आपने, तो जहाँ मेरे को नॉलेज है या मैं समझ सकता हूँ, राष्ट्रपति बहुत बड़े पद की गरिमा होती है, वो जो उनका टर्म खत्म होता है उसके बाद में कमेटी के चेयरमैन कभी बना नहीं जाता उनको। तो कमेटी जब बनती है तो उसके कई बनने के बाद में कई बार आलोचना भी होती है, कमी निकाली जाती है। राष्ट्रपति पद की गरिमा के अनुकूल नहीं कोई राष्ट्रपति को अध्यक्ष बनाया जाए, उनको बनाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए तो अच्छा रहता, और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति खुद ही बना करते और भी अच्छा रहता। मेरे समझ नहीं आती वो क्यों उनको बनाया गया। और फिर आप जो पार्लियामेंट का सेशन बुला रहे हो उसमें आप बताएंगे तो काय के लिए बुलाया आपने, ये लोकतंत्र में ये अच्छी बात है। ये स्थिति है, सारी फ्लॉप हो रही यात्राएं, घबराए हुए लोग हैं, घबरा रहे लोग, कहीं जा नहीं रहे लोग, इनके मुश्किल से लोग आ रहे हैं यात्राओं में, और आरोप में कोई दम है नहीं इनके, ये स्थिति बनी हुई है। फ्लॉप भी हो रही है, उसका क्या जुड़ाव है, यात्रा के जो हालात है, क्योंकि ये जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, उनमें कोई दम होता तो फिर यात्रा में दम होता, आरोप में दम नहीं है तो फिर यात्रा में दम कैसे होगा। एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया है यात्राओं में, सनातन को लेकर इन्होंने जो है पूरी यात्राओं को एक नाम दे दिया कि सनातन के नाम पर इन्होंने सारी यात्राएं शुरू कर दी, उधर भी मरण वाला बयान बोला। अब वो भी देखिए उनकी पोल खुलती जा रही है, राजस्थान में इशू नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हमने जो फैसले किए हैं इनकी हवा निकल गई है। लंपी रोड में गाय मर गई, हिंदुस्तान में मेरी ख्याल से राजस्थान सरकार ने आगे बढ़ करके सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा था, उसके पहले हमने घोषणा कर दी 40,000 रुपये देंगे हम लोग प्रति गाय, दिया हम लोगों ने 9 महीने के अनुदान हम दे रहे हैं गौशालों को। विभाग जो बना है राजस्थान में गायों का, शुरुआत मैंने करी इसकी, बना करके निदेशालय बना करके 9 महीने का अनुदान दे रहे हैं गौशालों को, दे रहे हैं 12 महीने दे रहे हैं नंदीशालाओं को, दे रहे हैं 500 करोड़ रुपये खर्चे इन्होंने 5 साल में। ये गौ माता की बात करते हैं, हम 3,000 रुपये खर्च कर रहे हैं 5 साल के अंदर, 5 रुपये गौशालाओं दे रहे हैं उनको पशुपालकों को, उससे आज दूध उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर पहुँच गया। हमारी वेलफेयर स्कीम जो है पशुओं के दवाएँ फ्री, पिछले टर्म में जब गवर्नमेंट थी हमारी सेकंड टर्म में तब हमने पशुओं का ध्यान में रखा था, इलाज फ्री कर दिया उनका, आज राजस्थान नंबर टॉप पे आ गया है, पहले यूपी था, आज राजस्थान है जहाँ दूध के उत्पादन नंबर 1 हम लोग है। तो हमारे हर एक्शन जो है, मंदिरों में हम लोग पूजा पाठ करवा रहे हैं, ये हम बदनाम करते थे कि तो अपीजमेंट करते हैं, अब अपीजमेंट कौन सा हो रहा है, हम मंदिरों को वहाँ पूजा पाठ चल रही है, हमारी सुमित्र रावत जी मंत्री है वो खुद दौरे कर रही है सब मंदिरों में, उनकी रोज़ की दिनचर्या होती है उसमें हम लोग इमदाद कर रहे हैं, देवस्थान विभाग से मंदिरों के निर्माण हो रहे हैं, गोविंद जी के मंदिर जयपुर में 100 करोड़ रुपये अलॉट किए हम लोगों ने वहाँ पर। तो अब ये जो इनके हिंदुत्व मुद्दा है ना वो चल नहीं पा रहा है, इस बार उससे घबराए हुए लोग हैं, वरना हिंदू हिंदू कर करके हमें बदनाम करते थे, जैसे हिंदू ये वही, हम तो हिंदू हैं ही नहीं। अब ये पोल खुल गई है तो मैं समझता हूँ वो इश्यू भी नहीं बनने वाला है। कल से जो है शहरों में जो 8 रुपये भोजन मिलता है वो योजना भी सच सम्मान है, पहले भी भोजन की योजना शुरू हुई थी पिछली गवर्नमेंट में, पैकेट ठंडे पैकेट होते थे, पता नहीं वो कब के बने होते थे, गाड़ी खड़ी रहती थी आप पैकेट पकड़ा देते हो, ये योजना सब सम्मान योजना इंदिरा रसोई योजना, गरम खाना
बकायदे बैठा करके आप आराम से उनको भोजन करवा रहे हो, सब सम्मान करवा रहे हो। मैं खुद भी दो तीन जगह गया हूँ खाना खाने के लिए। तो मेरा मतलब कि ये योजना जो पॉपुलर हमारी हुई है, अब कल से गांव में शुरू हो रही है, 1000 इधर से ही होगी, कल 400-500 जो भी कर सकते हैं कोशिश करें करने की। स्वयं सहायता समूह जो है ऐसे जी राजीविका वाले, वो बहनें जो है उनके माध्यम से करेंगे, फिर 10,000 महिलाओं को जो है कल मैं समझता हूँ ज़्यादा रोज़गार मिलेगा रास्ता मेरे के अंदर, अच्छी शुरुआत होगी उसमें। हमारी इतनी योजनाएं हैं, रोज आप पढ़ते हैं अखबार के अंदर, उनको फायदे होते जा रहे हैं। आईटी बेस भी अभी फैसला हुआ बीकानेर जोधपुर मिला करके, या फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही है 600 करोड़ रुपये, तो हम लोग काम शुरू कर दिए वहाँ पर जोधपुर के अंदर। आईटी बेस हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं राजस्थान भर के अंदर, तो जो स्टार्टअप वाले बच्चे हैं उनको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है इससे। हर क्षेत्र में राजस्थान ने गुड गवर्नेंस दी है, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार जो है जनता का मूड, जैसे तो माई बाप जनता होती है वो ही फैसला करेगी, मुझे लगता है कि जनता इस बार सरकार रिपीट कर सकती है। तो देखिए सीएम गहलोत मीडिया से रूबरू हुए, बीजेपी पर निशाना साधा, परिवर्तन संकल्प यात्रा को फ्लॉप करार दिया, कहा सारी यात्राएं फेल हो रही हैं। इसके अलावा उस घटनाक्रम का जिक्र भी किया जब मुख्यमंत्री गहलोत का सीकर पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन G20 समिट की बैठक की वजह से दौरा एन वक्त पर रद्द करना पड़ा। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने सामान्यतः ट्वीट किया था और ट्वीट करके जानकारी दी थी, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी जिस तरह से नहीं उड़ने दिया गया प्लेन, इन तमाम बातों का मुख्यमंत्री ने जिक्र किया। साथ ही योजनाओं को लेकर के बात कही कि जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाएं लाई गई हैं पूरे देश भर में चर्चा बनी है, घबराए हुए हैं, बात की, कहा कि ऐसा लगता है सिर्फ वही हिंदू हैं।